उधर डोकलाम में चीन की नई चाल क्या है, चीन के खिलाफ एलएसी पर भारत की नई तैयारी और फेस्टिव सीजन में कैसे लगा चीन को झटका, आइए देखते हैं टॉप 9 चीन की चाल। डोकलाम में चीन की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। चीन ने डोकलाम में गांव बसाने के साथ ही 9 किलोमीटर लंबी सड़क और सुरंगें भी बनाई हैं। भारत चीन के बीच तनाव और बढ़ा तो चीन इन रास्तों का इस्तेमाल कर अपनी सेना को भेज सकता है। मालाबार युद्धाभ्यास के बाद अब भारतीय नौसेना एक बार फिर समंदर में अपनी ताकत दिखाएगी। आज से अंडमान में भारतीय नौसेना सिंगापुर की नौसेना के साथ युद्धाभ्यास करेगी। भारत सिंगापुर का ये युद्धाभ्यास 23 नवंबर तक चलेगा। युद्ध का प्यासा ड्रैगन दिन रात जंग की तैयारियों में जुटा है। तिब्बत मिलिट्री कमांड आर्टिलरी ब्रिगेड ने बहुत बड़ी वॉर रिहर्सल की है। इस लाइव फायर वॉर ड्रिल में लाइटवेट फील्ड होविट्जर तोपों से भीषण बमबारी की गई। 4679 मीटर की ऊंचाई पर हुई वॉर ड्रिल चीन की जंगी सनक को जाहिर करती है। लद्दाख में चीन की चाल को नाकाम करने के लिए भारतीय सेना ने टनल डिफेंस सिस्टम तैनात किया है। चीन ने लासा में एयरक्राफ्ट तैनात करने के लिए टनल बनाए हैं और साउथ चाइना सी में न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीनों को रखने के लिए हैनान टापू पर अंडरग्राउंड तैयारी की है। इसके बाद भारतीय सेना ने टनल डिफेंस सिस्टम तैनात किया है। एलएसी पर विवाद सुलझाने के लिए चल रही बातचीत के बीच चीन यहां अपनी सैन्य तैयारियों को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। चीन एलएसी पर तेजी से रडार लगाने में जुटा है। साथ ही चीन अपनी आर्मी की सहूलियत के लिए एलएसी पर सड़कें और पुल भी बना रहा है। आतंक के मुद्दे पर चीन ने एक बार फिर पाकिस्तान का बचाव किया है। चीन के विदेश मंत्री ने कहा है कि पाकिस्तान आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। चीन का कहना है कि आतंक के नाम पर सीपीसी प्रोजेक्ट को निशाना बनाया जा रहा है। नेपाल में ओली सरकार को बचाने के लिए चीन हर मुमकिन कोशिश में जुटा है। चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंग ही 29 नवंबर को नेपाल के दौरे पर पहुंचने वाले हैं। चीन समर्थक पीएम ओली को अपनी ही पार्टी में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। नेपाल में भी चीन के खिलाफ आवाज बुलंद होने लगी है। चीन के शिनजियांग में उगर मुस्लिमों के खिलाफ हो रहे अत्याचार के विरोध में नेपाल के बीरगंज में प्रदर्शन हुआ। जमीयत उलेमाए नेपाल के इस प्रदर्शन में चीन से मुसलमानों पर अत्याचार बंद करने की मांग की गई। फेस्टिव सीजन में भारत में चीन के कारोबारियों को करारा झटका लगा है। एक सर्वे के मुताबिक त्योहारों के दौरान 71% भारतीय खरीदारों ने चीन में बने सामान खरीदने से इनकार किया है। ये सर्वे देश के 204 जिलों में किया गया था।